ये टेस्टी नमकीन आप भी अपने घर पर बना सकते हैं, बस इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वास्तिका और आप देख रहे हैं क्या मेनियन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पोहा नमकीन तैयार करने वाले हैं। बहुत ही कम चीज़ों के साथ मिलकर ये बन जाती है और इसे बनाने में कोई झंझट भी नहीं आता। तो आइए जानते हैं पोहा नमकीन कैसे बनाते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पोहा नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले हम मूंगफली को तल लेंगे। कढ़ाई गरम कीजिए और उसमें तेल गरम कीजिए और उसके बाद मूंगफली डालकर भूनकर निकाल लीजिए। ये मैंने एक पाव के लगभग मूंगफली ली है और इसके बाद मैं कॉर्न को तल रही हूँ। कॉर्न चिप्स आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएंगे, जहाँ भी फोफी वगैरह मिलती है वहाँ आपको ये मिल जाएंगे, जहाँ भी फ्राइज की दुकान होगी। तो बस इसे फ्राई करके निकाल लीजिए। देखिए कितने अच्छे से ये खिल चुके हैं। और बस इसी ऑयल में आप डालिए 4 से 5 कटी हरी मिर्च और इसके बाद आपको ऐड करना है नमक और उसी के साथ आपको थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है और इसके बाद इसमें पोहे डालने हैं। पोहे आप पहले से चुन के साफ कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें ऐड कीजिएगा। इसे अच्छे से भूनिए, मेक श्योर हाथों से मसलने पे इसका पाउडर बन जाए, तब जाके ये अच्छे से भुन जाएगा। लास्ट में मैंने ऐड किया कसूरी मेथी और थोड़ी देर और मैं इसको भूनने वाली हूँ। देख सकते हैं पोहे एकदम अच्छे से भुन चुके हैं और हथेली पे मसलने पे इनका पाउडर बन जा रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब इसे एक बड़े बर्तन में डाल लेंगे। ये मैंने बड़े बर्तन में इसे डाल दिया है और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्न चिप्स। कॉर्न चिप्स का स्वाद बहुत ही बेहतर होता है और इसी के साथ मैं बाजार से लाया हुआ थोड़ा बहुत नमकीन ऐड कर रही हूँ, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और इसी के साथ मैंने जो मूंगफली तली हुई थी ये मैंने ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसमें चाट मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर वगैरह वगैरह डाल सकते हैं, मुझे ये सिंपल ही अच्छा लगता है। तो बस इसे मिक्स कर लीजिए और एक बढ़िया सी नमकीन बन के तैयार हो गई है। आप इसे महीनों स्टोर कर सकते हैं और थोड़े से नमकीन में ज़्यादा नमकीन बन के तैयार हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।